सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, क्या सवाल है भाई? जी शेख, मेरा सवाल ये था कि अल्लाह ताला ने बंदों का रिज़्क लिख दिया है जी, और बंदे को तब तक मौत ना आएगी जब तक उसे उसका वो रिज़्क, जितना उसका रिज़्क लिखा है वो मिल ना जाए जी। तो शेख, अल्लाह ने जब रिज्क लिख दिया है तो क्या अब हमें मेहनत करने की जरूरत है उस रिज्क को पाने के लिए, या वो अपने आप हमें मिल जाएगा? अब मेहनत ना करें या दुनिया में कोई भी उसकी पढ़ाई वगैरह कुछ ना करें या कोई काम ना करें फिर भी? नहीं, ये इसका मतलब नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इसको मिसाल देकर के फरमाया कि पहले ऊंट को बांध दो, उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करो कि अभी भागेगा नहीं। पहले ऊंट को बांध दो, ठीक है? आपके सामने खाना रखा हुआ है, आप हाथ बांध करके बैठे रहो कि ये मेरा पेट भर जाएगा, लिखा होगा तो। क्या दुनिया में कोई इंसान ऐसा करता है कि मैं लिखा होगा तो भर जाएगा? या आप जो है दसवें मंजिले पर रहते हैं, वहां से छलांग लगा दीजिए और कहिए कि लिखा होगा तो मैं बच जाऊंगा, लिखा होगा तो मैं मर जाऊंगा, है ना? तो ये इसका मतलब नहीं है। असबाब को जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि मेरे ऊपर तवक्कुल करो, उसी ने ये भी बताया है कि आप असबाब को इख्तियार करो। तो तवक्कुल करने का भी हुक्म है और साथ में असबाब को इख्तियार करने का भी हुक्म है। ऐसा इसलिए कि क्या लिखा है आपको नहीं पता है, किसी चीज के होने से पहले आपको नहीं पता है कि क्या लिखा है, जब वो हो जाएगा तब आपको पता है। लिहाजा असबाब को इख्तियार करने का भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है और ये भी तवक्कुल का ही एक हिस्सा है। लिहाजा ये कहना कि जो लिखा होगा वो हो जाएगा, ये गलत है, ये तवक्कुल का मतलब नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको ये बात कई बार आ चुकी है गुज़श्ता स्ट्रीम में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों रास्ते आपको बताए, आपको चॉइस इख्तियार करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको कुव्वत दिया। जैसे आपको कहीं पर जाना है, ये मिसाल शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया ने दिया है, वही मिसाल मैं आपको दे रहा हूं कि आप ऐसे लोग जो इस तरह की बात करते हैं उनसे पूछिए कि आपको कहीं जाना है, एक रास्ता बहुत खतरनाक है, एक रास्ता बहुत पुरअमन है, तो क्या दुनिया का कोई होशमंद इंसान होगा जो पुरखतर रास्ते को इख्तियार करे? तो भाई, आप दुनियावी मामले में जब उसको इख्तियार नहीं करते हो तो फिर आखिरत के मामले में आप ये कैसे कहते हो कि मैं गुनाह कर रहा हूं क्योंकि ये हमारे ऊपर लिखा हुआ है? जी, इसी तरह का एक मामला हजरत उमर की खिदमत में आया था, उनके सामने एक चोर ने चोरी किया, जब उसका हाथ काटने का हुक्म दिया गया तो उसने कहा कि आप हाथ क्यों काट रहे हैं, अल्लाह ताला ने लिखा हुआ था इसलिए मैंने चोरी किया, तो मेरी क्या गलती है? तो हजरत उमर ने कहा कि ये जो तुम्हारा हाथ काट रहा हूं ये भी अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है, ठीक है? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दुनिया में इससे बड़ी हमाकत और कोई नहीं है जो लोग तकदीर से हुज्जत पकड़ते हैं गलत कामों पर। क्या दुनिया के अंदर अपने जब वो किसी चीज का इंतखाब करते हैं तो क्या वो ये नहीं देखते हैं कि मैं अच्छी चीज का इंतखाब करूं? इसी तरह से दीन के मामलात में भी आप अच्छी चीज का इंतखाब करो। तो लिहाजा तकदीर का या तवक्कुल का ये मतलब नहीं है कि आप गलत चीज काम करें और फिर ये हुज्जत पकड़े कि मेरे मुकद्दर में लिखा हुआ था। तकदीर के मसले पर अगर आप उलमाए सलफ को पढ़ेंगे तो आपको तकरीबन सारे लोग ये बात कहते हुए मिलेंगे कि तकदीर पर आप बहुत ज्यादा बहस मत करो। खास तौर से अगर आप एक आम आदमी हो तो तकदीर के मसाइल पर आप बहस मत करो। आप जितनी गहराई में जाओगे, अगर आपके पास इल्म नहीं है तो आप उलझते जाओगे। ये सिर्रुल्लाहिल मक्तूब है, ये अल्लाह ताला का राज है जी। तो बहुत सारी चीजें आप नहीं समझ सकते। आपका ईमान और अकीदा है, आप गैब पर ईमान लाते हो, आप गैब पर ईमान लाते हो, ये आपके मोमिन होने की दलील है। तो लिहाजा आप उसमें बहुत ज्यादा बहस ना करो, उसमें बहुत ज्यादा गहराई में मत जाओ, खास तौर से जब आप एक आम आदमी हो, कई सारी चीजें समझने में आपको दुश्वारी होंगी और शैतान ये चीजें आपके दिमाग में डालेगा, ऐसा है तो कैसे हुआ पता चलेगा, आखिर में आप जो है गुमराह हो जाओ। जैसा कि एक हदीस में है कि शैतान आदमी के पास आता है, कहता है
कि तुमको अल्लाह ने पैदा किया, पूरी दुनिया को अल्लाह ने पैदा किया, फिर अल्लाह को किसने पैदा किया, ये आपके दिमाग, फिर आप सोचते रहो उसको बैठ के, यहां तक कि आप गुमराह हो जाओ। तो तकदीर पर बहस करने से उलमाए सलफ ने मना किया है, इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी मत दिखाइए, खास तौर से उस वक्त जब एक आप आलिम दीन नहीं है। जी जी, जज़ाकल्लाह खैर।